ये मैं आपको अभी स्टार्ट करने लगा हूँ। फोरेंसिक का है, ड्रग्स एक्ट 1976, ड्रग्स एक्ट 1976। अच्छा, आप ड्रग्स, ये जो ड्रग एक्ट 1976 है ना, इसके अंदर अमेंडमेंट्स भी आ चुकी हैं। 2000 एक अमेंडमेंट आई थी 2017 में, और एक अमेंडमेंट आई थी 2018 में, 17 और 18 में दो अमेंडमेंट्स आए, राइट। तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना ड्रग्स रूल्स 2007 के साथ, वो और चीज है, ये और चीज है, ठीक है। अब ड्रग्स एक्ट 1976 के अंडर जो जो भी फॉर्मुलेशंस हुई, डिफरेंट बॉडीज की कानून जो बने, तो उनके बारे में हम बात करते हैं। तो ड्रग्स एक्ट 1976 का जो चैप्टर 2 है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन सी इंतजामी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होंगी, और जो लॉ एंड ऑर्डर को, उनको कौन कौन सा लॉ एंड ऑर्डर की डोमेन दी गई होगी। तो उसमें हम जो फर्स्ट देखेंगे वो है रजिस्ट्रेशन बोर्ड या रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। देखें, ये ना काफी चीजें पाकिस्तान के इस वक्त, राइट नाउ, पाकिस्तान के कुछ कवानीन जो है ना वो ओवरलैपिंग है, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू ड्रग्स। फार्मास्यूटिकल सेक्टर और हेल्थ डिपार्टमेंट के रेफरेंस से काफी ओवरलैपिंग है चीजें, के अथॉरिटीज की आपस में कुछ पुलिंग है, कोई मतलब प्रॉब्लम्स है, आपस में ओवरलैपिंग है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ठीक है। अब ये जो ड्रग एक्ट 1976 में अमेंडमेंट्स आई है ना 2017 और 2018 में, इसमें काफी सारी जो है ना प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस मिली है, ठीक है, यानी कि प्रोविंसेस को अथॉराइज किया गया है, फेडरल गवर्नमेंट से थोड़ा सा उनको ना डीएस्केलेट करवाया गया है कि आप अपनी कानून साजी के अंदर ना चेंजेस आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उनको मतलब के जिस तरह पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना वो आयन साजी जब हुई, तो उन्होंने 18th जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उसके अकॉर्डिंग जो है ना प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंस मिली काफी फेडरल गवर्नमेंट से, कि वो अपना लेजिस्लेशन अपनी खुद कर सकते हैं काफी मैटर्स में, बल्कि मोस्ट ऑफ द मैटर्स में। तो इसी तरह ड्रग एक्ट 1976 में 2017 और 18 में जो अमेंडमेंट्स हुई वो भी ये कर, उसके अंदर भी प्रोविंसेस जो है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, उनको काफी ज्यादा जो है ना वो अथॉरिटीज डेलीगेट की गई हैं कि वो लेजिस्लेशन में अपनी मर्जी शामिल कर सकते हैं। तो इस सेंस में रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स को हम देखते हैं। देखें, वैसे रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है, जो ड्रग्स को रजिस्टर करता है, वो कभी जो है ना वो ड्रैप एक्ट बनने से पहले वो इंडिपेंडेंट था। अब ये काफी सारी बॉडीज और जो बोर्ड्स हैं विद रेफरेंस टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर, वो ना ड्रैप के अंदर आ गए हैं, ड्रैप के अंदर बल्कि आ गए थे जब ड्रग जो ड्रैप एक्ट जब एस्टेब्लिश हुआ और ड्रैप बनी, लेकिन करंटली 1-2 साल के अंदर फिर ड्रैप के अंदर से बहुत सारे बोर्ड्स को इंडिपेंडेंस दे दी गई है, और अथॉरिटीज काफी उनको बा अख्तियारियां अथराइज कर दिया गया है। तो ये चलते रहती हैं अमेंडमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट आती है वो ऑब्वियसली वो कुछ चीजें अपनी मर्जी से करती है, और वो चीजों को रिवाइव करती है, और अथॉरिटीज को मतलब के एक्सचेंज करवाती है। तो अब ये दो वर्ड्स हैं, खैर वो मैं लाइसेंसिंग में बात करूंगा, पहले ये रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं। देखिए, एक होता है लाइसेंसिंग बोर्ड और एक होता है रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ठीक है। इनमें एक डिफरेंस समझें कि वाइट बोर्ड नजर आ रहा है, तो फिर वो शेयर करूं कि ये करूं? एक मिनट, मैं शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड, स्क्रीन शेयर ना कर लूँ? विंडो तो फिर आना चाहिए था ना वो। की चलो खैर, आप देखें कि फॉर एग्जांपल ये एक डिफरेंस समझे कि एक है ड्रग रजिस्ट्रेशन, पाकिस्तान के अलावा की बात करने लगा, ड्रग रजिस्ट्रेशन, और एक हो गई ड्रग लाइसेंसिंग या लाइसेंसिंग, यानी आप ये कह लें कि लाइसेंसिंग बोर्ड
और रजिस्ट्रेशन बोर्ड, इनका डिफरेंस, क्योंकि वो एक ही आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड है वो ये आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो पाकिस्तान में कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के यूज करने को अप्रूव करता है कि ये फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज कि वो आप ये कह लें कोई वैक्सीन आती है, ठीक है, तो उसकी अप्रूवल देता है कि हाँ इसको पाकिस्तान में इस पर्पज के लिए यूज किया जा सकता है। अप्रूव होती है कोई वैक्सीन, लेट्स सपोज कोविड के लिए वो रजिस्टर हुई, कोविड 19 के लिए, कि हाँ कोविड 19 के लिए इस वैक्सीन को हम यूज करने का अथॉराइज आपको इजाजत दे रहे हैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में, नेशन वाइड। ये नेशनल इदारा है, ये नेशनल बॉडी है। अब इस कोविड वैक्सीन को अगर मैन्युफैक्चर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लाइसेंस मिलेगा वो देगा लाइसेंसिंग बोर्ड। ये फर्क है इन दोनों का, एक मैं आपको बता रहा हूं, एक डिफरेंस, समझ रही बात की। इसी तरह अगर इस वैक्सीन को सेल करना है रिटेल लेवल पे या उसको डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे सेल करना है तो वो भी लाइसेंसिंग बोर्ड देगा। मतलब जो सेल के रेफरेंस से आ जाएगा ना, सेल एंड परचेज, सेल के रेफरेंस पर्टिकुलरली, वो आएगा लाइसेंसिंग बोर्ड की अथॉरिटी में। और पर्टिकुलर यूज के हवाले से, पर्टिकुलर यूज के हवाले, ठीक है, वो आएगा रजिस्ट्रेशन बोर्ड के अंदर। इसी तरह अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी चाहती है कि मैं ना पैरासिटामोल जो है ना वो अपना ब्रांड एक बनाना है, तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड उसको अलाउ करेगा कि हाँ तुम पैरासिटामोल मैन्युफैक्चर कर सकते हो, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं, ये तुम्हारा ब्रांड नेम होगा जो तुम कह रहे हो, तो उसको विद पर्टिकुलर ब्रांड उसको जो इजाजत मिलेगी वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड से मिलेगी। लाइसेंसिंग बोर्ड उसकी कंडीशंस को देखेगा कि क्या मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस की ठीक है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस देगा। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा लाइसेंसिंग बोर्ड का और रजिस्ट्रेशन बोर्ड का। अब जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है ये देखें क्या क्या करता है और ये बॉडी कौन सी है, इसको देखें जरा। वन मिनट, अच्छा अब ये देखें ड्रग एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है वो क्या प्रोसीजर है और क्या कुछ उसमें आता है। तो पहले देखें ये चैप्टर 2 सेक्शन 7 रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स। First one, the federal government shall cause all drugs to be registered according to specified conditions and shall establish a registration board consisting of members with specified qualifications. सुने जरा, कहता है जो federal government है ना, तमाम drugs जो पाकिस्तान के अंदर use होंगी किसी भी area में, किसी भी reference वो use उनका इस्तेमाल, जो भी drug पाकिस्तान में enter होगी, ठीक है, उन सारों की जो रजिस्ट्रेशन होगी ना वो उन वो एक कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के अंडर होंगी। वो पर्टिकुलर कंडीशंस क्या हैं वो आप आगे जाके पढ़ेंगे। और उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए फेडरल गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन बोर्ड बनाएगी, डिजाइन करेगी, फार्मूलेट करेगी, और वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो ना वो उसके अंदर कुछ मेंबर्स होंगे जो उसका हिस्सा होंगे और वो बोर्ड उन पे मुश्तमिल होगा, कंपोजिशन उसकी जो होगी वो कुछ मेंबर्स होंगे और उन मेंबर्स की भी मखसूस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस होंगी। वो क्या होंगी सारा कुछ आगे आता जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये अभी बनना है, ये रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो है फेडरल गवर्नमेंट इसको अभी बना रहा है? नहीं, ये बात हो रही है 1976 में जब ये रूल बनाया जा रहा था, एक्ट बनाया जा रहा था, तो उस एक्ट के अंदर सेक्शन 7 जो बनाया गया, तो अब ये कहा गया जो सेक्शन 7 के अंदर कि फेडरल गवर्नमेंट जो है ना जितनी भी ड्रग्स रजिस्टर पाकिस्तान में हुआ करेंगी ना इस्तेमाल के लिए, यूज के लिए, ठीक है, तो फेडरल गवर्नमेंट उनकी रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर को मॉनिटर करने के लिए, उनको एक्सिक्यूट प्रोसिक्यूट करने के लिए एक बोर्ड बनाएगी फेडरल गवर्नमेंट, जिसका नाम होगा रजिस्ट्रेशन बोर्ड। और उस रजिस्ट्रेशन बोर्ड की पर्टिकुलर कुछ कंपोजिशन होगी, उसके अंदर मेंबर्स होंगे जो उस बोर्ड की कंपोजिशन के हिस्सा होंगे और उनकी पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस होंगी जो आप आगे जाके देखेंगे। फिर इस सेक्शन का जो सबसेक्शन नंबर 2 है ये देखें नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड शैल एक्सरसाइज द स्पेसिफाइड पावर्स इंक्लूडिंग द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर। अंदाजा करें, कहता है कि ये जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर्स होंगे उनके पास कुछ मखसूस पर्टिकुलर पावर्स होंगी, वो क्या होंगी वो भी आप सारा आगे पढ़ेंगे जाके, क्योंकि उनकी पावर्स क्या होगी। कहता है हाँ,
जो पावर्स उनको देगी ना वो फेडरल गवर्नमेंट ही असल में बोर्ड को देगी, बोर्ड अपने मेंबर्स को वो पावर डेलीगेट करेगा। पावर्स डेलीगेट का मतलब होता है अपनी पावर्स उनको इख्तियार देना कि आप हमारी पावर यूज करें। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर जो है ना वो अपनी जो भी उसके इख्तियार हैं अगर वो अपने इदारे के किसी प्रोफेसर को वो दे सकता है कि तुम मेरी जगह पे मेरे इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये अब उसने डेलीगेट कर दी अपनी पावर्स। ठीक है, वो खुद भी इस्तेमाल कर सकता है और उसको भी इजाजत दी है। तो कहते हैं रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर्स की जो पावर्स होंगी वो बोर्ड ही डिसाइड करेगा। हाँ, वो तो पावर्स होंगी ही होंगी जो रजिस्ट्रेशन बोर्ड उनको देगा, वो उन पावर्स के अलावा किसी भी ड्रग इंस्पेक्टर की पावर को भी इस्तेमाल कर सकता है। वो तमाम पावर जो किसी ड्रग इंस्पेक्टर के पास होती है उनको भी ये यूज कर सकता है और एक्सरसाइज कर सकता है कोई भी मेंबर बोर्ड का। अब वो जो इंस्पेक्टर जिसकी वो पावर्स कर सकता है, मतलब के वो पावर्स इक्विवेलेंट होंगी प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर के भी और फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर के। क्लियर? फिर नेक्स्ट थर्ड सब सेक्शन में आए, कहता है द रजिस्ट्रेशन बोर्ड शैल मेक द रूल्स विद द अप्रूवल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड विद नोटिफिकेशन इन गजट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। ठीक है, अब सुने जरा। कहता है कि रजिस्ट्रेशन बोर्ड चलो बनेगा जब, तो उस रजिस्ट्रेशन बोर्ड के जो रूल्स होंगे वो कौन बनाएगा? कहता है रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो बनेगा ना, जिसके यानी उसके मेंबर्स भी अपॉइंट हो गए। अच्छा, उसके मेंबर्स अपॉइंट होते हैं फेडरल गवर्नमेंट से, वो करती है। मेंबर्स अपॉइंट हो गए मतलब के रजिस्ट्रेशन बोर्ड की कंपोजिशन कंप्लीट हो गई। ठीक हो गया, कंप्लीट हो गई मतलब रजिस्ट्रेशन बोर्ड कंप्लीट हो गया। कहता जब इस रजिस्ट्रेशन बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, ये बात हो रही थी 1976 के अंदर, तो वो हो गया हुआ है। अब ये सारा कुछ एस्टेब्लिश हो चुका हुआ है, अमेंडमेंट्स भी अब आती रहती हैं। कहता जब रजिस्ट्रेशन बोर्ड जाना वो पूरा उसकी कंपोजिशन फाइनल हो जाएगी, वो फिर रूल्स बनाएगा जो भी उसके अपने रूल्स होंगे, या क्या वो अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना ले। ठीक है, वो रूल्स जो भी बनाएगा वो फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूव करवाएगा रूल्स बना के, क्या ये रूल्स अप टू द मार्क है, पाकिस्तान के गजट के सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ये आते हैं, हम अपनी लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहे। तो जो भी रूल्स वो रजिस्ट्रेशन बोर्ड रूल्स अपने खुद बनाएगा, लेकिन उन रूल्स को अप्रूव करवाएगा फेडरल गवर्नमेंट से, और फिर उनको नोटिफाई करवाएगा, हिस्सा बनवाएगा किसका, ऑफिशियल गजट का, टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो आपने वो रूल्स जो भी उसने बनाए हैं फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके फिर उसको ऑफिशियल गजट का हिस्सा भी बनवाएगा। ठीक है, ताकि वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करे, क्योंकि ऑफिशियल गजट में शामिल करवाना जरूरी है किसी भी बॉडी का या बोर्ड का अपने कवानीन को इम्प्लीमेंट, कानून को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए नेशन वाइड या प्रोविंशियल वाइड। अब ये गजट क्या है, ऑफिशियल गजट क्या है? देखो, जो ऑफिशियल गजट है ये पाकिस्तान के गजट की बात हो रही है। एक्चुअली ऑफिशियल गजट ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली इज द ऑफिशियल गवर्नमेंट गजट। ठीक है, क्या मतलब, ये आप ये कह लो कि ये ना कानून का एक किताब है मोटी ताजी। ठीक है, कानून ये एक ना आप कह लो डोजियर नहीं कहना चाहिए, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है, इस तरह आप ये कह लें कि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल गजट भी है, जिसके अंदर उसके तमाम पाकिस्तान के अंदर जो जो भी एक्ट या ऑर्डिनेंस या रूल्स या ऑर्डर्स, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स या कोई भी नोटिफिकेशन, अपॉइंटमेंट्स के किस तरह कहां पे इदारे में क्या अपॉइंटमेंट की जाएगी, यानी हर किस्म का सरकारी कानून उस किताब के अंदर मौजूद है। तो जो भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी सेंस में इन एनी वे कोई भी एक्ट, लॉ, रेगुलेशन, लेजिस्लेशन, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, नोटिफाई, अपॉइंटमेंट, कोई मतलब सीएसपी ऑफिसर या कोई भी अपॉइंटमेंट्स होंगी, प्रमोशंस जो होंगी, प्रमोशन के प्रोसीजर्स, अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर्स, ठीक है, और एनुअल लीव्स, हर सरकारी बात उसके अंदर शामिल हो। इवन प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट इदारों के बारे में, अप्रूवल्स के बारे में, के प्राइवेट यूनिवर्सिटी बननी है तो उसकी अप्रूवल का प्रोसीजर का, वो भी उसके अंदर है। तो कानून की जितने भी पाकिस्तान की कानून साजी है ना, उसकी जो बुक है ना, बुकलेट, उसको कहते हैं ऑफिशियल गजट। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो भी रूल्स बोर्ड बनाएगा उसकी अप्रूवल लेगा फेडरल गवर्नमेंट से, और उसको फिर उस उन कवानीन को, उन रूल्स को ऑफिशियल गजट का हिस्सा बनवाएगा, ताकि वो अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सके। सब सेक्शन फोर पे आ जाएं, एनी मेंबर ऑफ द बोर्ड, कहता है जो भी मेंबर होंगे बोर्ड के, ठीक है, एट एनी टाइम मे रिजाइन इन रिटन फॉर्म हिज ऑफिस टू द फेडरल गवर्नमेंट। कहता है कि जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे उनमें से कोई भी अगर रिजाइन करना चाहे किसी भी टाइम पे, तो वो रिटर्न फॉर्म में रिजाइन करेगा अपने ऑफिस से जो, ठीक है, और वो फेडरल गवर्नमेंट को आ, 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 जो है ना वो अपना रेजिग्नेशन
प्रोवाइड ट्रांसफर करेगा, प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बोर्ड को नहीं, फेडरल गवर्नमेंट को, ठीक है। और अगर फेडरल गवर्नमेंट वो उसको कंसीडर कर लेते हैं रिजाइन को, ठीक है, तो उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। ये वैसे हर मामले में ये रूल है कि फेडरल गवर्नमेंट कंसीडर कर लेना रेजिग्नेशन, वो रिजेक्ट भी कर सकती है, ये याद रखिएगा। तो अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो वो रिजाइन कंसीडर होगा। नेक्स्ट सबसेक्शन कहता है मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शैल होल्ड द ऑफिस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। अब वो कितना होगा, मेरा ख्याल है 3 years होता है, आगे जाके हम देख लेते हैं। तो बोर्ड के जो तमाम मेंबर्स हैं वो ये नहीं है कि थ्रू आउट लाइफ या 60 साल की एज तक या रिटायरमेंट तक वो अपॉइंटेड रहेंगे, मेंबर रहेंगे, नहीं, ये ना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसके लिए फेडरल गवर्नमेंट उसको अपॉइंट करेगी हर मेंबर को। नेक्स्ट सबसेक्शन कहता है द फेडरल गवर्नमेंट शैल फिक्स द डेट इन ऑफिशियल गजेट आफ्टर विच नो अनरजिस्टर्ड ड्रग शैल बी एक्सपोर्टेड, इंपोर्टेड, मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड। इस कानून को समझे थोड़ा सा। कहता है जब ये बात आप ये समझे कि हम इस वक्त 1976 में बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, आप कुछ साल पहले अपने आप को समझे कि हम पहुंचे हुए, तो ये ड्रग एक्ट का ये वाला सेक्शन 7 तैयार किया जा रहा था, तो उसमें ये कहा गया कि जब एक दफा बोर्ड बन गया, ठीक है, तो बोर्ड बन गया तो डेट फेडरल गवर्नमेंट फिक्स कर देगी। कि एक पर्टिकुलर मिसाल के तौर पे कहती है फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त ये कानून जब बना, तो उस वक्त ये कानून मतलब ड्रग एक्ट बना, तो ड्रग एक्ट में ये लिख दिया गया कि फेडरल गवर्नमेंट को हम जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट को इख्तियार दे रहे हैं, कानून बनाने वाले ये लोग जिन्होंने ये कानून बनाया 1976 का, उन्होंने कहा हम फेडरल गवर्नमेंट को ये मतलब रेकमेंड करते हैं कि आप कोई डेट फिक्स कर दें पाकिस्तान के अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगस्त की 10 तारीख के बाद पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई अनरजिस्टर्ड ड्रग जो है ना वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती, होगी ना इंपोर्ट होगी, ना मैन्युफैक्चर होगी, ना सेल हो सकेगी। और ये असल में कानून इंप्लीमेंट हो चुका है 40-50 साल पहले तब, ठीक है, अब ये कानून इंप्लीमेंटेड नहीं है, ये मतलब ये अब इंप्लीमेंटेड है, ये अब दोबारा रिवाइव नहीं हो सकता क्योंकि ये फिक्स हो चुका है। ये असल में तब एक उस वक्त इंप्लीमेंट करने के लिए ये रूल बनाया गया था कि फिक्स, क्योंकि इस ड्रग एक्ट बनने से पहले ना अनरजिस्टर्ड चल रहा था सिस्टम पाकिस्तान, ड्रग एक्ट जो है ना ये तब ये पंजाब ड्रग एक्ट जो है ना ये अपना तब ये इजाजत थी, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इजाजत क्या, कोई कानून इस हवाले से नहीं था, एम्बिग्विटी थी, अनरजिस्टर्ड मतलब गवर्नमेंट की परमिशन वगैरह ये चीजें चल रही थी, ठीक है। अच्छा अब हम देखें कि आप पढ़ रहे हैं ड्रग्स एक्ट 1976, ठीक है, ये 1976 में ये बात फैसला हुई कि अब हम चूंकि ये कानून साजी शुरू कर रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट एक डेट फिक्स कर दे, हम उसको ये रेकमेंड करते हैं कि डेट फिक्स कर दे कि जिसके बाद कोई अनरजिस्टर्ड चीज पाकिस्तान में सेल या परचेज या मैन्युफैक्चर, तो ये कानून तब इम्प्लीमेंट हो गया, अब इसकी बार आ गया, अब भी इम्प्लीमेंटेड और ये रहेगा जब तक क्यामत रहे चाहे नहीं आती। आगे चलें, फिर कहता है 7 पे अ पर्सन अप्लाइंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग शैल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ द। अब ये बता रहे हैं कि जो ड्रग रजिस्टर करवानी है ना पाकिस्तान में किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी में, कि वो बाहर से कोई वो प्रोडक्ट अब वो ऑलरेडी बाहर कहीं पे वो मैन्युफैक्चर हो रही है किसी और कंट्री में, तो अब वो पाकिस्तान के अंदर ना ये कंपनी एक पर्टिकुलर वो भी उस मॉलिक्यूल को उस जेनेरिक को बनाना चाहती है, ठीक है, तो वो अप्लाई करती है कि मुझे ना इस ड्रग के लिए जो है ना वो इजाजत दी जाए कि मैं पाकिस्तान में इस ड्रग को लाना चाहता हूँ, कंपनी चाहती है कि मैं लाऊं वो, ठीक है, मैं यहाँ पे यूज कराऊं इस पर्पस के लिए। मैन्युफैक्चरिंग वो जो करेगा वो तो बाद की बात है ना, पहले तो वो ड्रग रजिस्टर करवानी है पाकिस्तान में यूज के लिए, फॉर यूज, मैन्युफैक्चरिंग अगली बात है, वो नेक्स्ट स्टेप है, तो यूज के लिए वो अगर अप्रूवल लेना चाहती है तो वो उसे हम कहेंगे तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे। अब जो भी पर्सन मतलब पर्सन का मतलब ये कंपनी हो सकता है, ये इंपोर्ट भी करवाई जा सकती है मैन्युफैक्चरर अगर नहीं कर रहे, तो इंपोर्टर है अगर या मैन्युफैक्चरर है अगर, ठीक है, तो वो चाहता है कि मैं ये फलां ड्रग पाकिस्तान में यूज के लिए अप्रूव करवाऊं ताकि मुझे फायदा हो, मुझे पैसे मिले बाहर से इंपोर्ट करवा के मैं यहाँ सेल करूँ, या सेल करवाता है वो इंपोर्ट करके। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी ड्रग के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है उसको यूज के लिए पाकिस्तान में, ठीक है, तो कहता है दैट पर्सन शैल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट से, पहली जो इंफॉर्मेशन देनी है ड्रग के रेफरेंस से, अब बोर्ड को अप्लाई करना जब रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट भेजनी है तो सबसे पहले ड्रग की एफिकेसी और सेफ्टी, कि फॉर एग्जांपल वो ड्रग की कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं है सीरियस किस्म की, सीरियस टॉक्सिसिटी, ठीक है, और उसकी एफिकेसी भी है जिस यूज के लिए वो अप्लाई कर रहा है, तो उसका डाटा मिलेगा पहले प्रोवाइड करेगा।
इसमें दो केस है, एक तो अगर तुम वो ड्रग ऑलरेडी एफडीए ने अप्रूव कर दी हुई है और वो किसी कंट्री में मतलब वो यूज हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए वो वही डाटा प्रोवाइड करेगा जो बाहर डाटा मौजूद है, तो वो डाटा वो प्रोवाइड कर सकता है कि देखें ये जी बाहर जो कंपनीज को बना रही है उसने क्लिनिकल ट्रायल करवाए थे उसमें सेफ्टी और एफिकेसी का ये डाटा उनका, तो वो सेटिस्फाइड है, सेटिस्फैक्ट्री है, तो बोर्ड मान जाए तो ठीक है। दूसरा केस क्या है कि पाकिस्तान के अंदर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी नया मॉलिक्यूल बनाती है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो बाहर ऑलरेडी नहीं था, तो उसके लिए फिर उसको क्लिनिकल ट्रायल करवाने पड़ेंगे, क्लिनिकल ट्रायल करवाने के बाद उसकी सेफ्टी एफिकेसी उसको फिर खुद प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये दोनों तरह का हो सकता है ऑप्शन। तो सेफ्टी और एफिकेसी जो है ड्रग जो भी रजिस्टर करवानी है यूज के लिए पाकिस्तान में, तो उसके लिए उसका सेफ्टी और एफिकेसी डाटा प्रोवाइड पहले करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन बोर्ड को, जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा कोई भी कंपनी या वो पर्सन। सबसेक्शन 8 पे आ जाए, कहता है सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग्स, ठीक है, शैल बी रजिस्टर्ड बाय जेनेरिक नेम्स, वेयर एज कंपाउंड ड्रग्स शैल बी रजिस्टर्ड एज प्रोप्राइटरी नेम। ये फर्क समझना जरा, पैरासिटामोल अगर मिसाल के तौर पे सिंपल पैनाडोल टैबलेट है उसके अंदर अकेला जेनेरिक है, अकेला इंग्रेडिएंट है ड्रग का, क्या पैरासिटामोल। तो कहता है आप अगर पैरासिटामोल पाकिस्तान के अंदर यूज करवाने के लिए रजिस्टर करवाएंगे, ठीक है, तो आप जेनेरिक नेम से करवाएंगे, मतलब अगर सिंगल नेम से कोई आपने मॉलिक्यूल कोई टैबलेट बनानी है जिसमें सिंगल मॉलिक्यूल सिंगल ड्रग होगी तो वो जेनेरिक नेम से करवाएंगे आप, फर्स्ट टाइम चूके करवा रहे हैं ना। कहता अगर एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स अगर आपने एक ही टैबलेट या डोजेज फॉर्म के अंदर कंबिनेशन बना के मतलब वो यूज करवाना है तो उसके लिए फिर आप कोई ब्रांड नेम या प्रोप्राइटरी नेम रजिस्टर करो, अलहदा अलहदा से जेनेरिक नहीं, उसमें आप ब्रांड पूरा बना के कि ये कम्बिनेशन मेरा होगा, तो उसके लिए शर्त है कि वो प्रोप्राइटरी नेम से होगी रजिस्टर अगर मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स हैं एक ही डोजेज फॉर्म में, तो अगर सिंगल इंग्रेडिएंट वो जेनेरिक से होगा, यानी आप ये कह लेंगे पैनाडोल जो एक्स्ट्रा है टैबलेट एक्स्ट्रा पैनाडोल एक्स्ट्रा उसमें दो है कैफीन भी है और पैरास्टामोल है, वो पैनाडोल एक्स्ट्रा से रजिस्टर होगी या हो गई, तो अगर सिर्फ पैरास्टामोल करवानी है तो वो आप पैरासिटामोल जेनेरिक से करवाएंगे, मतलब एसिटामिनोफेन, ठीक हो गया, तो ये डिफरेंस है इसमें। नंबर 9 पे आ जाए, द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग शैल बी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड कंडीशंस। ऑब्वियसली जो भी रजिस्ट्रेशन होगी उसकी कंडीशंस है वो आप आगे जैसे जाते जाएंगे तो आप चीजें क्लियर होती जाएंगी कि क्या क्या कंडीशंस है। नेक्स्ट आ जाए नंबर 10, आफ्टर अ ड्रग रजिस्ट्रेशन द बोर्ड शैल इन्फॉर्म अबाउट इट एंड इट्स टर्म्स एंड कंडीशंस टू द एप्लीकेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कहता है कि जब कोई ड्रग जिसकी एप्लीकेशन आई थी रजिस्ट्रेशन के लिए किसी कंपनी या पर्सन की तरफ से ऊपर आपने जो पढ़ा है, तो अगर बोर्ड उसको रजिस्टर कर लेता है तो उस रजिस्ट्रेशन के बारे में फिर वो उस पर्सन को इन्फॉर्म करेगा, उसको तो करेगा ही करेगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि वो एप्लीकेंट है। तो कहता है बोर्ड जो है इस रजिस्ट्रेशन के बारे में और इस रजिस्ट्रेशन की टर्म्स एंड कंडीशंस कि आप इसको इतना लेवल पे यूज करवा सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से करवा सकते हैं, उसकी जो भी टर्म्स और कंडीशंस होंगी इस ड्रग की यूज की, ठीक है, तो वो उन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को बोर्ड जो है इन्फॉर्म करेगा उन टर्म्स एंड कंडीशंस को के बारे में, किसको, एप्लीकेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जिस सूबे के अंदर वो रजिस्टर होगी। हाँ जी, ये प्रोविंस भी मैटर करता है कि किस प्रोविंस में वो एप्लीकेंट बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको भी वो करेगी। अच्छा नेक्स्ट आ जाए फिर, कहता है 11 नंबर, इफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड फाइंड्स दैट क्या, कहता है अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड ये देखता है क्या, अब ये आगे सब क्लास के बाद ये सॉरी सब क्लास आ गई है, देखें ये ऊपर है, ये देखें ये लिखा हुआ ना 7 हेडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, ये जो 7 है ना ये सेक्शन है, इसके अंदर फिर 1, 2, 3 सब सेक्शन है, ठीक है। अब 11 के अंदर ABC जो है ना ये क्लास हो गई क्लास। तो कहता है इफ द रजिस्ट्रेशन बोर्ड फाइंड्स दैट, क्या देखता है अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड, कहता है अगर तो रजिस्ट्रेशन बोर्ड ए The drug registration was by fraud. अगर तो register करने के बाद अगर drug register हो गई तो registration board को बाद में पता चलता है कि जो drug registration करवाई गई है वो तो fraud था, या वो देखता है number B, the conditions at the time of registration do not exist anymore. कहता है अगर तो registration board ये भी देखता है कि जब register करवाई गई drug तो उस वक्त तो registration की जो requirements थी वो पूरी थी, अब नहीं है, वो अब वो exist नहीं करती, अब वो follow नहीं कर रहा एप्लीकेंट। तीसरी कंडीशन कहता है अगर रजिस्ट्रेशन बोर्ड ये भी देखता है कि कंडीशंस जो हमने और टर्म्स एंड कंडीशंस हमने अप्लाई करवाई थी
प्रोवाइड की थी कि इन टर्म्स एंड कंडीशंस में ये यूज होगी ड्रग आपकी, ठीक है, तो कहता है अगर वो देखेगा कि उन कंडीशंस की वायोलेशन हो रही है, खिलाफ वर्जी हो रही है, तो कहता है फिर कहता है अगर लाइन पड़े, कहता है अगर इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम देखता रजिस्ट्रेशन बोर्ड के ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है, तो कहता है फिर द रजिस्ट्रेशन बोर्ड शैल कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑफ दैट ड्रग। ओके, अब 12 पे आ जाए, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एंश्योर द कंप्लायंस कंडीशंस ऑफ द ड्रग रजिस्ट्रेशन and to prevent manufacture or sale of drug. कहता है the provincial government ही ensure करेगी कि जो conditions हमने दी हैं manufacturer जो sorry जो applicant है उनको comply कर रहा है, follow कर रहा है, ठीक है। अगली बात कहता है and to prevent the manufacture or sale of, कहता है ये registration board की ही authority है कि वो ऐसी कोई भी medicine manufacture या sale होने से रोके, बचाए, कौन सी ऐसी ड्रग जो अनरजिस्टर्ड हो, ये क्लास अब देखिए आगे क्लास ए, कहता है द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंश्योर द विल शैल एंश्योर द कंप्लायंस विद द कंडीशंस ऑफ द ड्रग रजिस्ट्रेशन, कहता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये नहीं है। अब देखें रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने तो रजिस्ट्रेशन कर दी, उसने टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बता दी कि ये होगी जिनके अकॉर्डिंग आपके सूबे में ये प्रोडक्ट जो है ना ये इसने रजिस्टर करवाइए तो ये यूज होगी, कहता है आपने आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम कि वो फॉलो करे, मॉनिटर करे कि क्या ये जो एप्लीकेंट था जिसकी ड्रग रजिस्टर हुई है क्या वो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई कर रहा है, कंप्लाई मतलब फॉलो कर रहा है, ठीक है, जो हमें रजिस्ट्रेशन बोर्ड ने प्रोवाइड की है कि नहीं, तो ये इंश्योर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने फिर करना है, और ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही होगी जिसने इस बात का ख्याल रखना है टू प्रिवेंट द मैन्युफैक्चर ऑफ सेल, जिसने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी ऐसी मेडिसिन मैन्युफैक्चर या सेल ना हो हमारी टेरिटरी में, सूबे के अंदर, प्रोविंस के अंदर, क्या अनरजिस्टर्ड ड्रग, ठीक है, या बी क्लास बी अ ड्रग द रजिस्ट्रेशन ऑफ विच हैज बीन कैंसल्ड, या कोई भी ऐसी ड्रग मैन्युफैक्चर या सेल तो नहीं हो रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट इंश्योर करेगी, मॉनिटर करेगी कि कोई ऐसी ड्रग तो नहीं सेल हो रही जिसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है रजिस्ट्रेशन बोर्ड से, तो ये सूबाई गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का। फिर नेक्स्ट आ जाए, ये था रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स जो है वो किसके अंडर होंगी, वो होंगी रजिस्ट्रेशन बोर्ड के, और वो रजिस्ट्रेशन करने की उसने जो बॉडीज की मोटी मोटी शरायत वो ये है सेक्शन 7 में। यहां तक आपका कोई प्रॉब्लम? यार अब बच्चे कह रहे हैं ज्वाइन नहीं हो रहे, मैसेज है नहीं ये हो रहा है, सॉरी ओके चलो नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा एक्सपर्ट कमेटीज क्या होती हैं? एक्सपर्ट कमेटीज ना ये वैसे आपने भी देखा होगा कि किसी भी किस्म का मैटर जब कोई नेशनल लेवल पे होता है या प्रोविंशियल लेवल पे होता है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट ना कमेटियां बना देती है, इंक्वायरी कमेटी बना देती है, या कोई ऐसा मैटर हो कि नया कानून बनाना है तो उसके लिए भी कमेटी बना दी जाती है कि ये कानून साजी ये कमेटी करेगी। तो यहाँ पे एक्सपर्ट कमेटीज का ये मतलब है उन कमेटीज में कंसर्न्ड पर्सन जो कंसर्न्ड एक्सपीरियंस रखते हैं और क्वालिफिकेशन उनको मेंबर्स बनाया जाता है, और ये कमेटीज परमानेंट नहीं होती, ये फॉर द टाइम बीइंग होती हैं, जैसे ही प्रोजेक्ट या मैटर सॉल्व हुआ ठीक है तो ये कमेटीज डिसॉल्व हो जाती हैं। एक्सपर्ट कमेटीज कहता है द फेडरल गवर्नमेंट मे कंस्टिट्यूट कमेटीज ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन ड्रग इवैल्यूएशन पाकिस्तान फार्माकोपिया और एडवर्टाइजमेंट। अब देखें फेडरल गवर्नमेंट का ये इख्तियार है कि वो एक्सपर्ट मतलब कमेटीज डिजाइन कर सकती है, बना सकती है किसी भी ड्रग रेफरेंस से, ड्रग के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी मैटर है। अगर इवन आप जानते हैं कि ऑफिशियल बुक्स हैं, ऑफिशियल बुक्स वर्ल्ड वाइड जो होती हैं जिनके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेशन जो ड्रग की फॉर्मुलेशन होती है उसके जो प्रोसीजर हैं उनकी ऑफिशियल बुक्स होती हैं जिनको आप फार्माकोपिया कहते हैं, तो पाकिस्तान की भी ऑफिशियल बुक है पाकिस्तान फार्माकोपिया, दैट इज सेल्डम फॉलोड, एक्चुअली है तो पाकिस्तान फार्माकोपिया अपना हमारा, लेकिन इस फॉलो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग में मोस्टली किया जाता है वो ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स किया जाता है।
तो लेकिन ऑफिशियल फॉर्मुलेशन बुक्स है कि ये बुक्स एक्चुअली बताती हैं कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट किस प्रोडक्ट या डोजेज फॉर्म को डिजाइन करने अब मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज होगा। तो इन तमाम ड्रग रेलिवेंट या कंसर्न जो मैटर्स हैं उनके लिए फेडरल गवर्नमेंट का इख्तियार है कि वो किसी भी ड्रग रेफरेंस के मैटर को सॉल्व करने के लिए इंक्वायरी के लिए कमेटीज बना सकती है। तो ईच कमेटी नेक्स्ट कहता है ईच कमेटी शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये वही बात है, टाइम टू टाइम का मतलब कि जब मैटर सॉल्व हुआ तो वो कमेटी डिसॉल्व कर दी जाती है या कोई मेंबर चेंज भी किया जा सकता है, तो ये फेडरल गवर्नमेंट का अधिकार है। वैसे ये जो ड्रग एक्ट 1976 के अलावा आपको ये बताओ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी ये कर सकती है, उसके भी अख्तियार था कि वो एक्सपर्ट कमेटीज बना सकती है। इवन पार्लियामेंट के अंदर भी ये चलता है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर की। फिर नेक्स्ट आ जाए प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड सेक्शन 11। ऊपर आपने पढ़ा रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, अभी आपने रजिस्ट्रेशन बोर्ड के मेंबर्स पढ़ने हैं, दैट इज डिफरेंट, वो और चीज है। ठीक है, ये रूल था जो आपने पढ़ा रजिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ये ड्रग की रजिस्ट्रेशन के रेफरेंस से जो सेक्शन बनाया गया कि रूल्स क्या उसमें होंगे वो ये हैं जो आपने अभी पढ़े हैं। खैर अब आ जाए कि प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड क्या होगा, ये भी ड्रग एक्ट 1976 में डिजाइन किया गया, डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान के अंदर एक ड्रग की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए भी एक सेपरेट बोर्ड होगा। ठीक है, अब वो क्या होगा, उसके इख्तियारात और उसके अथॉरिटीज लेजिस्लेशन वगैरह वो क्या होंगी वो इसमें बताया गया। अब इसमें देखें सेक्शन 11 का प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड, इसमें पहला सेक्शन आ जाए, सॉरी सब सेक्शन नंबर 1, ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है, ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। आपने ऊपर पढ़ा रजिस्ट्रेशन बोर्ड जो एस्टैब्लिश होगा वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी, जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होगा वो एक्चुअली अथॉरिटी है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक अथॉरिटी बनाएगी या बोर्ड बनाएगी, दैट इज कॉल्ड एज, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। ये भी बन चुका है, आप इस वक्त बैठे हैं 1976 में, आप समझेंगे तब बैठे हैं, लगे आप तब पैदा भी नहीं थे हुए, इवन मैं भी नहीं था पैदा हुआ। खैर तो मैं आपको जिस तरह के पहले भी बताया कि इस एक्ट के अंदर 2017 और 2018 में अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं जिसमें काफी ज्यादा पावर्स जो है ना फेडरल गवर्नमेंट की वो डेलीगेट और ट्रांसफर कर दी गई हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, उनको इंडिपेंडेंस काफी ज्यादा दे दी गई है ड्रग एक्ट के रेफरेंस से, ड्रग्स रूल्स बनाने के हवाले से। तो पहला कहता है ईच प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड दैट शैल कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग अ चेयरमैन। बोर्ड का कहता है एक चेयरमैन भी होगा और कुछ उसके बाकी मेंबर्स भी होंगे, और वो कौन अपॉइंट करेगा, वो करेगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगा। अच्छा नेक्स्ट सबसेक्शन 2, द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शैल होल्ड द ऑफिस अकॉर्डिंग टू द टेनोर, टेनोर मतलब ड्यूरेशन कितने टाइम के लिए, और उनकी टर्म्स क्या होंगी अपॉइंटमेंट की, और कंडीशंस जो भी सैलरी या जो भी अपॉइंटमेंट का उनका टीएडीए और मतलब इख्तियारात उनके अथॉरिटीज, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, बोर्ड नहीं करेगा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। मेंबर्स का जो कुछ होगा वो ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर सब सेक्शन 3, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन एज, ऊपर आपने चेयरमैन का पढ़ा है, अब एक सेक्रेटरी भी होगा इसके नीचे, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एज पर्सन एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एंड अदर रिक्वायर्ड स्टाफ, बाकी भी जो कुछ क्लैरिकल स्टाफ भी चाहिए या कुछ और एक्सपर्ट मेंबर्स चाहिए वो भी होंगे, वो कौन से होंगे वो आप अभी देख लेंगे। ठीक है, तो वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही करेगी। फिर नंबर, अच्छा आप ये देखेंगे कि कानून के अंदर कुछ चीजें ना बार बार रिपीट हुई हुई हैं, ये आप देखेंगे। तो मैं आपको चूंकि पहले ही बता दिया कि पाकिस्तान के कानून में ना ओवरलैपिंग काफी है, ये सिर्फ फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात नहीं कर रहा, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग है, अथॉरिटीज भी ओवरलैप कर रही हैं, एक तरफ रजिस्ट्रेशन बोर्ड है दूसरी तरफ लाइसेंसिंग बोर्ड है, लाइसेंसिंग बोर्ड के अलावा फिर लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी है। ठीक है, ऊपर से ड्रैप बैठा हुआ है इनके ऊपर, अब ड्रैप ने क्या किया, आपने अंदर ऑफिस बना लिए हुए हैं, आपने भी सेक्शन बना लिए जिनके अंदर लाइसेंसिंग सेक्शन भी है और रजिस्ट्रेशन सेक्शन भी है, अब रजिस्ट्रेशन बोर्ड उठा के ड्रैप के अंदर डाल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग कुछ चल रही है। फिर सूबों का भी, अब सबसे बड़ी एक आपको मैं ओवरलैपिंग की एग्जाम्पल देता हूँ, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर और प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर की डोमेन का डिफरेंस ही अभी तक कोई नहीं पता, उस दिन वो आप थे साकिब साहब हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो कुछ दिन पहले मिले, वो खुद इस वक्त प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर है, वो मुझसे पूछ रहे थे, हम लोग चाय पे बैठे हुए थे, वो मुझसे पूछ रहे थे कि प्रोविंशियल और फेडरल के इख्तियारात में क्या फर्क है, क्यों, मैंने कहा क्यों आप ये क्यों पूछ रहे हैं, कहते हैं मैं भी जा रहा हूँ इंडस्ट्रीज को इंस्पेक्ट करने और वहां पे फेडरल इंस्पेक्टर भी हमारे साथ आता है, तो फार्मेसीज पे मैं भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने जाता हूँ, तो कहते हैं वो तो वैसे नहीं आते। अच्छा अब देखा जाए तो फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो सीनियर है,
वो सीनियर है, क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इवन उसकी क्वालिफिकेशन भी प्रेफर्ड है कि अगर वो पीएचडी हो, ठीक है। तो इख्तियार उसके देखा जाए तो वो इंडस्ट्रीज को इंस्पेक्ट करता है, तो इंडस्ट्रीज को इंस्पेक्ट जो है वो प्रोविंशियल भी करता है, इवन प्रोविंशियल जो है वो फार्मेसीज को भी करता है, मेडिकल स्टोर को भी करता है, जबकि फेडरल नहीं करता, तो फिर उसके इख्तियार का काम है। तो ये अभी ना कोई क्लियर कट नहीं है इसमें डिफरेंसेस के क्या है। हाँ, एक ये हो सकता है कि फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू फेडरल गवर्नमेंट या ड्रैप है, वो ड्रैप की तरफ रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसरेबल टू ड्रैप होता है, जबकि जो प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं ना वो इनको होते हैं प्रोविंशियल इदारों को, लाइक पीक्यूसीबी, ड्रग कोर्ट, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, वो इनको आंसरेबल होते हैं। ये एक डिफरेंस है, बाकी अथॉरिटीज का ओवरलैपिंग ही है। खैर, अब ये ऊपर बात, ये सब सेक्शन 3 देखें, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एज अ पर्सन एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एंड अदर रिक्वायर्ड स्टाफ। अब देखें ना, ये ऊपर बात हो गई कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही सारे मेंबर्स को अपॉइंट करेगी, तो अब सेक्रेटरी हो या चेयरमैन हो या बाकी स्टाफ हो, बात ऊपर हो गई है, लेकिन इसमें रिपीट करते हैं, कानून में अक्सर चीजों की रेपिटेशन। नंबर 4 पे आ जाए, द बोर्ड शैल मेक द रूल्स विद द अप्रूवल ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। ऊपर आपने रजिस्ट्रेशन बोर्ड का पढ़ा कि वो अपने जो भी रूल्स बनाएगी, या आप 1976 में बैठे डिसाइड कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होगा वो अपने रूल्स बनाएगा जिनको उसने फॉलो करना है और अपने इख्तियार भी डिसाइड करने हैं, तो वो तमाम रूल्स जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से फिर अप्रूवल लेगा और उनको ऑफिशियल गजट में भी देगा। ऊपर भी आपने यही चीज पढ़ी है, लेकिन वो ऑफिशियल गजट था फेडरल गवर्नमेंट का, ये होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गजट, ये डिफरेंस है। नंबर 5 पे आ जाओ, द फॉलोइंग शैल बी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड। वैसे पीक्यूसीबी काफी अथराइज्ड होता है, काफी अख्तियार होते हैं इसके, तो होते वैसे इसके अंदर भी मेंबर्स की भी खींचात आनी है, वैसे मेनली तो चेयरमैन के पास ही अख्तियार होते हैं, वो जो डिसाइड कर ले, बाकी मेंबर्स फिर आम ही नहीं कहते हैं। अच्छा, अब कहते हैं नंबर 5 पे, द फॉलोइंग शैल बी द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, क्या क्या होंगी अब उनके, वो देखे क्लासेस। ए, टू इंस्पेक्ट एनी प्रीमिसेस वेयर एनी ड्रग इज manufactured or sold and to recommend to the concerned authority for cancellation of license. अब मेरी बात सुनो, कहता है जो बोर्ड है वो किसी भी ऐसी जगह को इंस्पेक्ट कर सकता है जहां पे कोई भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग सेल हो रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप या फार्मेसी या मेडिकल स्टोर या इंडस्ट्री, यानी कोई भी ऐसी जगह जहां पे ड्रग का नाम आ जाए ये उसको इंस्पेक्ट कर सकते, ठीक है। और अगर वो वहां पे कुछ ऐसा देखता है कि वो कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, तो वो उस जगह की मैन्युफैक्चरिंग का अगर प्रॉब्लम है तो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का प्रॉब्लम है तो डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस, अगर वो फार्मेसी या मेडिकल स्टोर का इशू है तो उसका लाइसेंस कैंसिल करने के लिए वो रेकमेंड करेगा कंसर्न अथॉरिटी को। अब कंसर्न अथॉरिटी का मतलब एग्जाम्पल से समझ लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो कंडीशन है वो फॉलो नहीं की जा रही है, यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, तो उसकी जो कैंसलेशन होगी ना लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस कैंसलेशन, वो करेगा वो जो अथॉरिटी है कंसर्न, वो होगी लाइसेंसिंग बोर्ड, क्योंकि लाइसेंसिंग बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप का इशू है या मेडिकल स्टोर या फार्मेसी का प्रॉब्लम है तो उसकी अगर लाइसेंस कैंसिल करना ना, डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस या ड्रग सेल लाइसेंस एट फार्मेसी या मेडिकल स्टोर का, तो उसके लिए प्रोविंशियल बॉडीज होती हैं जिनको हम कहते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये फर्क है, लाइसेंसिंग बोर्ड और लाइसेंसिंग अथॉरिटी का फर्क है। तो ये जो जिसका भी हवाले से मैटर होगा ना, उस अथॉरिटी या बोर्ड को वो रेकमेंड कर सकता है जो पीक्यूसीबी है विजिट करने के बाद इस जगह को, कि ये आपके कानून को फॉलो नहीं कर रही, इसका लाइसेंस कैंसिल कर, ठीक है। हालांकि अब मजे की बात है कि लाइसेंसिंग बोर्ड और लाइसेंसिंग अथॉरिटी में डिफरेंस अगर देखा जाए ना, लाइसेंसिंग बोर्ड एक्चुअली जो ना फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है और इसके प्रॉपर मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और कंपोजिशन होती है। जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है ना वो इन पर्सन भी हो सकती है, सिंगल पर्सन भी अथॉरिटी हो सकती है, यानी लाइसेंसिंग बोर्ड ने अपनी पावर्स प्रोविंस के अंदर, मिसाल के तौर पे चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है उसको डेलीगेट कर दी कि तुम सूबे के अंदर अगर फार्मेसी का या मेडिकल स्टोर का अगर लाइसेंस लेना तो वो तुम दे सकते हो, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। हाँ, अगर मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेता वो हमसे लेगा। तो ये मतलब जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो आप कह लो कि प्रोविंशियल लेवल पे आ जाए, छोटे लेवल पे आ जाती है, और जो बोर्ड है वो फेडरल लेवल पे, हर लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो अथॉरिटीज में इसमें यहाँ पे ये डिफरेंसेस हैं आपस में। अच्छा, बी सब क्लास, बी क्लास क्या कहती है, टू ई वैल्यू जो प्रोविंस पीक्यूसीबी है और क्या कर सकती है, कहता है इट शैल बी, इट शैल, सॉरी, इट हैज द अथॉरिटी टू
बी क्लास बी देखे टू इवेल्युएट आर स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड इशू द इंस्ट्रक्शंस टू इंस्पेक्टर फॉर फर्दर एक्शन. अब ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने इसका मतलब क्या है. ये व्हाइट बोर्ड पे देखेगा एक्चुअली प्रोसीजर क्या होता है. एक मिनट बेटा, वन मिनट. वन मिनट में ज्वाइन करता हूं. खैर अच्छा ओके बेटा ये सुनो. देखिए प्रोसीजर एक्चुअली क्या होता है. ये जो क्लास आप पढ़ रहे हैं ना अभी आपको मैंने ये क्लास बी पढ़ाई है टू इवेल्युएट स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट. एक्चुअली ये इस क्लास को समझने के लिए ना ये व्हाइट बोर्ड देखें. ये प्रोसीजर थोड़ा सा देखें होता क्या है. फॉर एग्जाम्पल के आप समझ रहे कि कोई ड्रग इंस्पेक्टर जाता है इंस्पेक्ट करने, ठीक है. अच्छा कहां पे इंडस्ट्री में विजिट करता है, छापा मारता है. वहां पे वो देखता है कि कोई ड्रग जो है ना वो मैन्युफैक्चर हो रही है, तो उसको शक है कि ये जो है ना सही नहीं हो रही. उसको शक है कि ये सब स्टैंडर्ड हो रही है. फॉर एग्जाम्पल सब स्टैंडर्ड हो रही है, ठीक है. तो वो पीक्यूसीबी जो है ना उसको जो है ना वो केस वहां पे ले जाता है कि फ्ला इंडस्ट्री जो है ना ये सब स्टैंडर्ड मेडिसिन जो है ना वो कर रही है. तो केस फाइल किया उसने, ड्रग इंस्पेक्टर ने देखा सब स्टैंडर्ड ड्रग मेडिसिन सेल हो रही है, तो उसने पीक्यूसीबी में जाके केस फाइल कर दिया उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट जहां पे उसको शक है कि ये सब स्टैंडर्ड है. ओके पीक्यूसीबी वो केस ले लेती है, हियरिंग स्टार्ट कर देती है, बुला लेती है मैन्युफैक्चरर को, आओ तुम्हारे अगेंस्ट ये कंप्लेन आई है कि तुम सब स्टैंडर्ड मेडिसिन बना रहे हो. ओके अब वहां पे फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ये डिफेंड करता है अपने आप को, नहीं सर ये जो है ना सब स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड है फुल्ली और ठीक है. अब पीक्यूसीबी क्या करेगा, पीक्यूसीबी ये कर सकता है कि वो जो पीक्यूसीबी है ना वो ये कर सकता है, उसका इख्तियार है कि वो ये कंफर्म करने के लिए कि दोनों में से कौन सच्चा है. क्या ड्रग इंस्पेक्टर जो कह रहा है ये सब स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, या ये जो मैन्युफैक्चरर है वो कह रहा है कि नहीं स्टैंडर्ड. तो पीक्यूसीबी क्या करेगा, वो ऑर्डर देगा. क्या करेगा, ऑर्डर देगा किसको, गवर्नमेंट एनालिस्ट को. देखें हमारे ना पाकिस्तान में और सूबे में जो गवर्नमेंट है ना, यानी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इन्होंने ना गवर्नमेंट एनालिस्ट भी रखे हुए हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर के अंदर. जिस तरह ड्रग इंस्पेक्टर है ना अपॉइंटमेंट होती, इसी तरह गवर्नमेंट एनालिस्ट भी होते हैं. वो कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रोडक्ट की एनालिसिस करनी हो ना, मिसाल के तौर पे कोई भी केमिकल सब्सटेंस है ड्रग की फॉर्म में अगर फॉर एग्जांपल, या नॉन ड्रग फॉर्म में भी, ठीक है, तो उसको अगर इवेल्युएट करना हो, टेस्ट करना हो कि क्या ये जो केमिकल हमारे पास आया टेस्ट होने के लिए, क्या ये वही केमिकल है जिसके बारे में ये क्लेम कर रहा है इसका मैन्युफैक्चरर, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है कि वो उसके पास जो भी केमिकल या कोई मेडिसिन लाई भेजी जाती है ना कि इसको टेस्ट करो कि क्या ये क्वालिटी इसकी ठीक है, क्या ये वही केमिकल है या मेडिसिन है जिसके बारे में इसका मैन्युफैक्चरर क्लेम कर रहा है, तो तुम मुकम्मल इसका डाटा हमें दो इसको टेस्ट करके इस केमिकल को. अब वो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है ना वो टेस्टिंग लेबोरेटरी के अंदर मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेगा, जिस तरह के HPLC, डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स या स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टेक्निक्स हैं उनको मेथड्स को यूज करके वो टेस्ट करेगा. हाँ ये वो जो भी उसके सामने उसका स्नैरियो आएगा उस केमिकल का जो उसके पास भेजा गया है टेस्ट करने के लिए या मेडिसिन, ठीक है, तो वो उसके जो भी उसको देखेगा ना टेस्ट करने का, इसमें ये कुछ है तो ये है, तो उसकी रिपोर्ट वो बनाएगा.
अब यही मैं कह रहा हूँ कि पीक्यूसीबी ने जो कंप्लेन आई है जिसके अगेंस्ट वो उस केमिकल की कि वो ड्रग इंस्पेक्टर कह रहा है ये सब स्टैंडर्ड है, मैन्युफैक्चरर कह रहा है नहीं है ठीक है, तो पीक्यूसीबी दोनों में से देखने के लिए कौन ठीक कह रहा है, वो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो उसका होगा ना, सरकारी एनालिस्ट, ठीक है, तो जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है इस किसी पर्पज के लिए, ठीक है, तो उसके पास ये भेजेगा केमिकल मेडिसिन भेजेगा कि चेक करो क्या ये सब स्टैंडर्ड तो नहीं है। अब गवर्नमेंट एनालिस्ट उसको टेस्ट करता है, अब जो भी उसका रिजल्ट हो कि वो सब स्टैंडर्ड है या स्टैंडर्ड है, तो वो रिपोर्ट फिर वापस वो गवर्नमेंट एनालिस्ट भेजेगा किसको, पीक्यूसी। तो यहाँ पे ये बात, ये प्रोसीजर ये नॉर्मली चलता है, ठीक है। अब आप आगे जैसे ही चलेंगे और चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अब मैं आता हूँ वापस उस कानून की तरफ, इसको देखें। तो ये देखें, अब ये जो क्लास बी है ये क्या कह रही है कि पीक्यूसीबी और क्या कर सकती है, कहता है इट कैन इवेल्युएट और स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोविंस। अच्छा, प्रोविंशियल इंस्पेक्टर भी तो रिपोर्ट देते हैं। मिसाल के तौर पे क्या, पीक्यूसीबी किसी ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगाता है कि तुम ना फलां फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है ना, एक पर्टिकुलर किसी का नाम लेके कि आप वहां पे इंस्पेक्शन करके आओ और हमें बताओ क्या वहां सारा कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। तो प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर वहां पे जाता है, अपनी रिपोर्ट तैयार करता है कि कानून कौन सा फॉलो किया जा रहा है, कौन सा नहीं किया जा रहा, जो भी रिपोर्ट होगी वो भी पीक्यूसीबी को देगा। तो पीक्यूसीबी जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो बात हम कर रहे हैं, टू इवैल्यूएट और स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर, ठीक है, तो ये प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की जो जो भी रिपोर्ट वो इकट्ठी करता है, प्रोविंशियल इंस्पेक्टर जहां उसकी ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है, वो मेडिकल स्टोर पे भी इंस्पेक्शन अगर करे ना, या फार्मेसी पे, या डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे, या मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, तो जो भी वो इंस्पेक्शन करता है उसकी वो रिपोर्ट उसने लाजमी तैयार करनी होती है। एक बात याद रखिएगा, कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर जहां भी छापा मारता है या इंस्पेक्शन करता है ना, तो उसकी रिपोर्ट उसने लाजमी बनानी होती है कि मैंने क्या क्या इंस्पेक्ट किया और क्या क्या मैंने वहां पे मॉनिटर किया और क्या क्या मैंने वहां पे देखा कि क्या कानून फॉलो हो रहा है और किसकी खिलाफ वर्जी चल रही है, ठीक है, और मेरे साथ कौन कौन गया, कोई और इंस्पेक्टर भी मेरे साथ गया, मेरा कोलीग या कौन कौन था, ईच एंड एवरीथिंग वो रिपोर्ट में लिखता है, और वो रिपोर्ट वो पीक्यूसीबी उससे लेती है कि हमने तुम्हें जहां भेजा था उसकी हमें रिपोर्ट दो इंस्पेक्शन की, ओके। दूसरा कहता है कि एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट क्या होती है, वो जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी है, उसके पास जो भी मेडिसिन गई टेस्टिंग के लिए उसकी रिपोर्ट, ठीक है। तो टू इवैल्यूएट और स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट, एंड अब आगे क्या कहता है, एंड इशू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ टू इंस्पेक्टर फॉर फर्दर एक्शन। अब कहता है कि रिपोर्ट उसको ड्रग इंस्पेक्टर से आई, पीक्यूसीबी को जो भी रिपोर्ट आई जहां से भी, यानी प्रोविंशियल इंस्पेक्टर से आई या गवर्नमेंट एनालिस्ट से आई, तो उस रिपोर्ट को देखते हुए, एनालाइज करते हुए, स्क्रूटिनाइज का मतलब एनालाइज करते हुए, चेक करके पीक्यूसीबी जो भी फिर ऑर्डर देगी, इंस्ट्रक्शंस देगी इंस्पेक्टर को, तो वो दे सकती, तो जो भी नेसेसरी एक्शन लेना, तो वो इंस्पेक्टर को ऑर्डर करेगी पीक्यूसीबी के, जाओ अब ये फर्दर तुमने ये करना। गवर्नमेंट एनालिस्ट को आमतौर पर फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती क्योंकि उसका काम सिर्फ टेस्टिंग है, जो वो रिपोर्ट भेज देता है, बाकी जो फर्दर फिर काम करना वो इंस्पेक्टर नहीं करना। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट का इसलिए यहाँ पे दोबारा लफज इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इशू जो इंस्ट्रक्शन वो फिर करेगी पीक्यूसीबी, वो इंस्पेक्टर को ही करेगी। नेक्स्ट आ जाए टू एक्सरसाइज द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर, सी टू पा, हाँ जी, पीक्यूसीबी के मेंबर्स के पास इख्तियारत होते हैं कि वो किस, वो ड्रग इंस्पेक्टर के बराबर के अपने जो इख्तियारत है इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन आमतौर पर एक पीक्यूसीबी जो है ना, वो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की पावर ही यूज कर सकता है, कोई भी उसका मेंबर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए डी पे, टू एडवाइस द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन वेज टू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल। कहता है कि पीक्यूसीबी के पास ये भी एक उसकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या इख्तियार है, अथॉरिटी है कि वो जो है ना ड्रग की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए अपने प्रोविंस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के रेफरेंस से, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूशन के रेफरेंस से, या मेडिकल स्टोर पे सेल के रेफरेंस के, फॉर एग्जांपल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये देखती है कि एयर कंडीशन जो है ना वो दो होने चाहिए किसी भी फार्मेसी पे, तो ये एक क्वालिटी कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए उसने ये सोचा, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को जो है ना वो गाइड कर सकती है कि देखें ये हम अगर इसको, इस कानून को आप अगर और अपग्रेड कर ले, क्योंकि ड्रग एक्ट तो गवर्नमेंट बनाएगी ना, ठीक है, तो ये पीक्यूसीबी की बात हो रही है, तो पीक्यूसीबी जो है ना वो अगर देखती है कि फर्दर कानून चेंज होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए जो लॉ है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को गाइड कर सकती है, ठीक है, ये मतलब है डी का। नेक्स्ट आ जाए ई,
पीक्यूसीबी का और क्या नेक्स्ट इख्तियार अथॉरिटी या रूल या वो क्या उसका पावर है, कहता है टू एक्सपोज द नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंसेस एंड टू अलाउ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट सच पर्संस। देखें कहता है पीक्यूसीबी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या कि वो कोई भी ऐसी कंपनी जिसको जिसके अगेंस्ट उसके पास केस आता है और उसको कंफर्म हो जाता है पीक्यूसीबी को कि ये जिस कंपनी के अगेंस्ट ड्रग इंस्पेक्टर कंप्लेन लेके आया ना, अब वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, ठीक है। तो कहता है किसी भी कंपनी के अगेंस्ट अगर केस आया तो उसको पता चल गया है, पीक्यूसीबी ने फाइंड आउट कर लिया है कि ये कंपनी जो है ना ये इसके डायरेक्टर्स या उसके एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, बेचारे वैसे एम्प्लॉयज तो बेचारे ही होते हैं, उनका क्या अथॉरिटी होती है, फंस वही जाते हैं। तो कहता है पीक्यूसीबी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है कि वो ऐसी कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, कंपनी का मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसके कोई भी डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज उनके नाम को एक्सपोज करे, ठीक है, एक्सपोज करे कि ये है बाई नेम उनको एक्सपोज करे कि ये इस कंपनी के एम्प्लॉयज या डायरेक्टर्स जो है ना ये गिल्टी हैं। बी क्यों गिल्टी हैं, बिकॉज दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंसेस। ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है, क्राइम, क्राइम अगेंस्ट ड्रग एक्ट 1976। हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंसेस का मतलब क्या है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ड्रग एक्ट 1976 के कानून की खिलाफ वर्जी की है। तो ये इस पीक्यूसीबी का अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है के टू एक्सपोज द नेम्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफेंसेस, जो भी जुर्म कर रहे हैं उनके नाम जाहिर करेगी ये, और प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी एक्सपोज कर सकती है और करती हैं और ये करते हैं, ये होता है, ठीक है। फिर एंड टू अलाउ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट सच पर्संस, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है उनके अगेंस्ट जो एक्शन है यानी कार्रवाई, कानून की खिलाफ वर्जी पे कार्रवाई, प्रोसिक्यूशन मीन्स एक्शन अगेंस्ट, टू टेक एक्शन अगेंस्ट, ठीक है। तो एंड टू अलाउ कहता है कि इन लोगों को जो भी मुलविस पाए गए हैं रिस्पॉन्सिबल है ऑफेंस के, क्राइम के, उनके नाम एक्सपोज करेगी पीक्यूसीबी और उनके अगेंस्ट ड्रग इंस्पेक्टर को अलाउ करेगी कि तुम इनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूट करो, केसेस फाइल करो। तो हम सुनेंगे, सुना भी इसी नहीं है या ड्रग कोर्ट रहे, क्योंकि पीक्यूसीबी के ऊपर मैटर फिर जो डिसाइड करती है, या अगर पीक्यूसीबी मैटर सॉल्व ना कर सके या अगर वो ना चाहे कि मैटर बढ़ा है तो वो आगे केस फॉरवर्ड कर सकती है ड्रग कोर्ट में, हाँ जी, तो प्रोसिक्यूशन को फिर ये अलाउ कर सकती है ड्रग इंस्पेक्टर को कि करो इनके अगेंस्ट केस और फॉलो करो और इनको फंसाओ, इनको मतलब कार्रवाई करो इनके अगेंस्ट। एफ आ जाए फिर, सब क्लास एफ, टू कंडक्ट एनुअल वैलिडेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू अपग्रेड दीज। अब मेरी बात सुने, वैलिडेशन का क्या मतलब होता है, देखिए आप जानते हैं कि जहां भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, खासतौर पर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, तो वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टैबलेट मेकिंग मशीन्स, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां पे, फॉर एग्जांपल क्रोमैटोग्राफिक या क्रोमैटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लाइक जो है एचपीएलसी, जीसीएमएस, एलसीएमएस, जीसीएम, ठीक है, एफटीआईआर, ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। आपको पता है ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनकी ना एनुअल चेकिंग होती है, वैलिडेशन होती है, उनकी अपग्रेडेशन होती है। कहता है ये अपग्रेडेशन एनुअल मस्ट है जहां भी मेडिसिन सेल हो, वो मैन्युफैक्चर हो रही हो। कहता है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीक्यूसीबी टू कंडक्ट एनुअल वैलिडेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड टू अपग्रेड दीज। तो ये भी मॉनिटर पीक्यूसीबी करेगा कि क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आपने जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज वहां पे कर रही हैं उनकी एनुअल अपग्रेडेशन करती हैं, उनको सफाई वगैरह, उनकी चेकिंग, सारा कुछ मॉनिटरिंग करती है। नेक्स्ट जी, टू एक्रेडिट द अदर लेबोरेटरीज ऑन पेमेंट ऑफ अ फी। अच्छा, ये ना गवर्नमेंट लैब्स जो आपने सुनी होंगी, ड्रग टेस्टिंग लैब्स पंजाब की, तो प्राइवेट, वो तो सरकारी है ना, गवर्नमेंट की है, ये प्राइवेट भी होती हैं, प्राइवेट लैब्स भी बनी हुई हैं जो कि गवर्नमेंट से एक्रेडिट लेती हैं, अप्रूवल लेती हैं। अगर किसी ने प्राइवेट लैब बनानी है ड्रग टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो वो भी परमिशन और अप्रूवल लेगी किससे, पीक्यूसीबी से। आप अपने बिहाफ पे नहीं कर सकते, और वो फीस दे के ऑब्वियसली उसकी फीस है वो जो पे करेगी कोई भी बंदा अपनी प्राइवेट लैब बनाने के लिए, ड्रग टेस्टिंग के लिए, तो ये उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट एच पे आ जाए, टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
टू अपडेट द गवर्नमेंट एनालिस्ट. अब गवर्नमेंट एनालिस्ट आपने मैंने ऊपर समझाया ना आपको, कहता उनकी ट्रेनिंग भी करवानी है, पीक्यूसी भी नहीं करवानी है, ताकि उनको अपडेट किया जा सके इंटरनेशनल लेवल पे जो ड्रग एनालिसिस है, टेस्टिंग अग्रेड ड्रग टेस्टिंग ड्रग इवेल्युएशन के जो प्रोसीजर्स हैं, रूल्स हैं, तो उन इंटरनेशनली जो कुछ चल रहा है उनके बारे में उन गवर्नमेंट एनालिस्ट की ट्रेनिंग होगी उनको अपग्रेड करने के लिए, इंटरनेशनल लेवल का बनाने के लिए. तो वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी पीक्यूसी भी करेगी. और आई फिर कहता है नेक्स्ट अथॉरिटी उसकी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू सबमिट अ मंथली रिपोर्ट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, टू द फेडरल गवर्नमेंट. अच्छा, कहता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो है ही है, फेडरल गवर्नमेंट को भी इसने देनी है अपनी मंथली रिपोर्ट कि मैंने इस महीने पीक्यूसी भी ने फेडरल गवर्नमेंट को भी देना कि मैंने ये कुछ किया है, मेरे पास इतने केसेस आए थे, मैंने इतने केसेस एक्सिक्यूट किए हैं, ठीक है, इतने केसेस मैंने ड्रग कोर्ट में रेफर कर दिए, ठीक है, इतने केसेस जो मैंने वो डिसमिस कर दिए हैं, मैंने इतने ड्रग इंस्पेक्टर को फला एरिया में इंस्पेक्शन करवाई है, मैंने ये इंस्पेक्शन करवाई है अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स के थ्रू, ठीक है, मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाए हैं, मैंने ये इंस्ट्रूमेंटेशन अपग्रेड फ्ला इंडस्ट्री सारी की करवाई है. तो जो भी रिपोर्ट उसने मंथली की होगा काम, वो उसकी मंथली रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को देगी. तो ये थी उसकी पावर्स, किसकी, पीक्यूसीबी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब आ गया नंबर सिक्स, ये सब सेक्शन अलहदा है, द बोर्ड मे एंट्रस्ट इट्स पावर्स टू एनी ऑफ इट्स मेंबर्स. ये जितनी भी ऊपर आपने ये अथॉरिटीज ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ी है ना ए से लेके आई तक, ये सारी पावर बोर्ड अपने किसी भी एक मेंबर को डेलीगेट कर सकता है, यहाँ पे ये मतलब है. सो दिस इज ऑल अबाउट पीक्यूसीबी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यहां तक कोई प्रॉब्लम? आप ना जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको मजीद चीजें क्लियर होती जाएंगी. लाइसेंसिंग अथॉरिटी और बोर्ड का डिफरेंस ये है कि लाइसेंसिंग बोर्ड जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है, लाइसेंसिंग अथॉरिटी यूजुअली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आती है. तो एक तो ये फर्क है. दूसरा ये है कि जो लाइसेंसिंग बोर्ड है ना वो आमतौर पर बड़े लेवल पे लाइसेंस देता है, मिसाल के तौर पर ड्रग मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस या इम्पोर्ट करने का लाइसेंस. ड्रग इम्पोर्ट करनी है तो वो नेशनल लेवल पे ही होगी ना किसी और कंट्री से, तो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग इसके लाइसेंस लाइसेंसिंग अथॉरिटी देती है. ये आप ये समझ लो कि ये बड़े काम है. मैं आपको ना असल में बच्चों की तरह कोशिश कर रहा हूँ लफ्ज़ बोल के समझाने की. खैर, तो अथॉरिटी क्या होती है, वो प्रोविंशियल लेवल पे काम करती है, वो छोटे लेवल पे लाइसेंस देती है. फॉर एग्जाम्पल मेडिकल स्टोर का सेल लाइसेंस, फार्मेसी का, डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये प्रोविंशियल लेवल पे काम करती है. हाँ जी, कोई क्वेश्चन? ओके सर, सर अमेंडमेंट्स भी हमें याद करनी है. ये ना पता करेंगे आपको करवाई गई है कि नहीं, ठीक है, करवाई गई है आपको. ओके, अल्लाह हाफिज़.